मधु चा बागान बंद होने के कारण अंगनी महली एवं उसका पूरा परिवार पोषण एवं चिकित्सा के अभाव में तरतर हालत में है। इसी तरह और 25 परिवार भी इसी समस्या से जूझ रही है। बगान बांध होला, बगान बांध होए के एकदम तकलीफ भी होता जा रहा है। चौवा पोता लेके गिन भी और मोर बेटा मन तनी बहुत बाप और सी रह गेल माइक लेने हम मस्किल से फसल हो चाहे हो जाए पे और अखन भी मन बढ़ते बढ़ते आवत है आए के फिर नेखानी मन कर भी बीमारी से मारी हो गेल। 22 सितंबर 2014 से मधु चा बागान बंद है। 15 महीना बीत गए। 951 मजदूर चिकित्सा भोजन रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। कभी खाते तो कभी भूखे पेट। ना ही मालिक ना ही प्रशासन की अगुवाई सामने आती है। कहाँ गया 1989 का एट्रोसिटी एक्ट? कहाँ गया ह्यूमन राइट्स? कौन करे इन असहाय लोगों के लिए जनहित याचिका? ये तो अनपढ़ बेसहारा समझते हैं। 2022 सितंबर को हम लोग का चाय बागान लॉकआउट ये करके मालिक सब सस्पेंशन ऑफ वर्क का नोटिस दे के भाग गया। ऐसे परिवार है 15-20 आदमी ड्यू टू बागान बंद होने के कारण मारा। मालिक को अगेंस्ट में एक्शन लेना है, सरकार को एक्शन लेना है, क्योंकि आज वो मालिक का लापरवाही की वजह से आज लोग मर रहे हैं। ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है, लोगों का अधिकार एक मृत्यु हो रहा है। आज आस्ते आस्ते करके स्लो पॉइजनिंग करके लोगों को मार रहा है, तो ये काफ़ी दर्दनाक इशू है। हम बागान बांध होला, हम बाहर गेलो पंजाब, 3 महीना काम पैसा कुड़ी नहीं मिला। तो क्या चाहिए इसला? बागान मन खुलता खाले कोनो काम धाम मिलता ओसन लगल और सरकार भर से कोनो ट्रीटमेंट सीटमेंट कर कुछ मिलता ये आसरा लागल मुख। जंगल भरा पड़ा गोडाउन में दिखाई देता है। साफ बयान कर रही है चाय बागान की दशा। भूटान देश ले जा रहे हैं काम करने को, भोले भाले बागान वासियों को ठगा जा रहा है। अरे बागान बंद हो रहे हैं, बाहर कमा के जा रहे हैं। कहाँ कमा के जा रही है? भूटान। और वहाँ क्या घटना हो लगतोर से? अरे 7 महीना कमा ले पैसे नहीं दे। कितना जन तोरे रहा? हमें जा रहे 18 जन। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस समस्या को देख के जल्दी इनिशिएटिव लेके बागान खुलने का व्यवस्था करे, ताकि यहाँ पे कोई भूखा ना मरे।